नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जिन उम्मीदवारों ने रेलवे में फॉर्म भरा है उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनके वैकेंसियों में बढ़ोतरी की गई है, जिनके 90,000 से बढ़ाकर 1,32,646 कर दी गई है, जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो देखिए दोस्तों, RRB रिक्रूटमेंट 2018, रेलवे की ग्रुप बी ALP टेक्निशियल की नौकरी कच्ची होगी या पक्की, पढ़े रेल मंत्री का बयान। तो देखिए दोस्तों, RRB रिक्रूटमेंट 2018 रेलवे ग्रुप डी ALP टेक्निशियल पोस्ट, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में जानकारी दी कि रेल मंत्रालय ने वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रिया के दौरान स्वीकृत पदों की संख्या में 32,000 की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। उन्होंने प्रश्नकाल में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फरवरी माह में जो 90,000 भर्तियां निकाली थी, उसे बढ़ाकर अब 1,32,646 कर दिया गया। गोयल का कहना है कि इसे पहले यह 90,000 से बढ़ाकर 99,000 की गई थी, और अब इसमें लगभग 32,000 का इजाफा किया गया है। ठेके पर नई स्थायी होगी नियुक्ति। रेलवे में ठेकेदारियों की भर्ती और नियमित करने से जुड़े सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मौजूदा भर्ती प्रक्रिया के दायरे वाले सभी पदों पर स्थायी नियुक्ति होगी। उल्लेखनीय है कि रेल मंत्रालय ने तकनीशियन और असिस्टेंट लोको पायलट सहित ग्रुप डी के अन्य पदों पर देशव्यापी भर्ती अभियान शुरू किया है। इसके लिए परीक्षा प्रक्रिया चल रही है। 9 अगस्त को असिस्टेंट लोको पायलट व टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। 5 अगस्त तक इसके लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।